एपिसोड 61 शॉपिंग। तनुजा के पेट में अब सच में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। पूरा दिन उसने इतना काम किया था, दोपहर में भी वो बस अमित और आयशा के साथ ही थी, इसलिए वो ढंग से अपना खाना नहीं खा पाई थी। अरमान उसे प्यार से बस देखता रहता है, जितना भी समय तनुजा अपना खाना खा रही होती है। उसे इतनी शिद्दत से खाना खाते देख अरमान जैसे मानो उसमें कहीं खो सा जाता है, जैसे कि उसे पहले भी एक बार लगा था, या तो उसकी भूख तनुजा के आसपास होने पर ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर उसे खाना ही पहले के मुताबिक ज्यादा टेस्टी लगने लगता है। क्या तुम्हें खाना पसंद आया, वो पूछता है। हाँ, बड़े टाइम बाद मैंने इतना टेस्टी खाना खाया है, मजा ही आ गया। ये बहुत महंगा है, वरना मैं रोज ऐसा खाना खाती, तनुजा खुश होकर अपने मुंह का खाना निगलते हुए कहती है। जब से वो एक छोटी बच्ची थी, तब से ही उसके पिताजी उसे कहते आए हैं कि खाना खाते समय इंसान को कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो उसके गले में खाना फंस सकता है, और सामने बैठे इंसान को जो आपके साथ खाना खा रहा होता है, उसे देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अरमान तनुजा को इतना खुश देख खुद भी मुस्कुराने लगता है। मैं तो ये पूरा रेस्टोरेंट ही तुम्हारे नाम करवा दूं, तुम एक बार हाँ तो करो मुझे, वो मन ही मन सोचने लगता है। ये सब सोचते सोचते वो अपने सेक्रेटरी को मैसेज कर देता है कि इस रेस्टोरेंट के मालिक से बात करके आज ही के आज इसे खरीदने की बात पक्की कर लो, और साथ ही मुझे ये भी पता करके बताओ कि इस रेस्टोरेंट की चेन मैं बाकी शहरों में कैसे खोल सकता हूँ। उसका सेक्रेटरी घर बैठे आराम से अपना खाना खा रहा था, जब अरमान का उसे मैसेज मिला। मैसेज पढ़ते ही उसके हाथ जैसे कांपने से लगते हैं। वो रिप्लाई करता है, सर, मुझे तो लगा था कि आप बस एक अच्छी जगह डिनर के लिए गए हैं। आप कैसे रातों रात एक नेशनल लेवल पर रेस्टोरेंट चेन खोलने की बात कर सकते हैं एकदम से? वो खुद सच में अभी बैठकर कोई भी बिजनेस प्लान बनाने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो ऐसा कुछ भी करता है तो उसे पूरी रात जागना पड़ेगा। क्या अरमान सर कल तक का इंतजार नहीं कर सकते? अरमान उसे रिप्लाई करता है, मेरे जैसा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान कभी भी किसी भी लड़की को इतने ऑर्डिनरी तरीके से डेट नहीं कर सकता। मुझे अपना प्यार प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर ही करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इस रेस्टोरेंट की चेन को देखते ही हर किसी के मुंह पर हमारी लव स्टोरी ही हो, सोचो कितना रोमांटिक होगा। उसके सेक्रेटरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अभी तक तो उसने आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ भी नहीं कहा है, आप लव स्टोरी तक के सपने कैसे देख सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता आपका तो। अरमान को अपने फोन में लगे देख तनुजा उससे कहती है, सर क्या आप खाना नहीं खाएंगे? ठंडा होकर ये खाना अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा खाना खाने के बाद अरमान कहता है, कल तुमने मुझसे मेरी राशि पूछी थी ना, दरअसल मैं सिंह राशि से हूँ। हाँ सच में आप कभी कभी बिल्कुल सिंह राशि के लोगों जैसा ही बर्ताव करते हैं, तनुजा कहती है। तुम्हारी राशि कौन सी है, अरमान पूछता है। मकर, तनुजा जवाब देती है। फिर वो अपना हाथ हिलाकर कहती है, बस अब बहुत हुई राशियों की बातें, आप मुझे ये बताइए कि आप शॉपिंग के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हमें ग्लोबल मॉल जाना चाहिए, एक तो वो जगह पास भी है और वहाँ नाजायज वाले महंगे कपड़े भी नहीं होते फालतू। ये सुनकर अरमान थोड़ा परेशान सा हो जाता है। अगर वो लोग राशियों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, तो उसने अभी तक इतना समय राशियों के बारे में पढ़ने में क्यों ही वेस्ट किया था। अपना खाना खत्म करते ही वो दोनों ग्लोबल मॉल चले जाते हैं। उस मॉल में काफी सारे अच्छे ब्रांड्स थे, जहां से अरमान जैकेट ले सकता था अपने लिए, और वो भी तनुजा के सोचे हुए बजट के अंदर ही। शाम का समय था, इसलिए मॉल में बहुत से लोग थे। काफी सारे यंग लड़के लड़कियां भी वहां मौजूद थे, जो कि या तो हाथ पकड़कर घूम रहे थे या फिर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले। अरमान जब इधर उधर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उनमें से कोई कपल उसके और तनुजा के मुकाबले बेहतर नहीं है। पर उन लोगों को ऐसे प्यार में पड़े देख अब अरमान भी प्यार का एहसास करना चाहता था। अरमान सर, इस ब्रांड के बारे में आपका क्या ख्याल है? तनुजा चलते चलते एक दुकान के आगे रुक जाती है और अरमान से पूछती है,
अरमान उस ब्रांड स्टोर की तरफ देखता है। उसने आज से पहले कभी भी इस ब्रांड का नाम तक नहीं सुना था, पर फिर भी उसे डमीज पर बाहर लगे कपड़े बुरे नहीं लगते। उसे तनुजा की पसंद पर भरोसा था। ठीक है, चलो अंदर चलकर देखते हैं, वो कहता है। वेलकम सर, वहाँ का सेल्समैन उनका स्वागत करता है। अरमान जैसे हैंडसम और गुड लुकिंग इंसान को देखते ही वो पूछता है, क्या आप लोग इनके लिए कपड़े ढूंढ रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। इनकी बॉडी शेप तो हमारे काफी मॉडल से भी बेहतर है। अरमान बचपन से अपनी तारीफ सुन सुनकर अब परेशान हो चुका था। वो थक चुका था हमेशा लोगों से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर। वो इधर उधर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वाकई वहाँ कपड़ों की अच्छी कलेक्शन है। साथ में खड़े एक कपल को इकट्ठे शॉपिंग करते देख वो तनुजा से कहता है, कपड़े चुनने में मेरी मदद करो। तनुजा मुस्कुराते हुए कहती है, हमें एक ब्राउन कलर की जैकेट चाहिए। जी अच्छा, मुझे देखने दीजिए। ये कहकर वो सेल्समैन 3 ब्राउन जैकेट्स निकालता है, जिसमें से एक तनुजा सेलेक्ट कर लेती है। अरमान जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आता है, वो बेहद ही एलिगेंट और पॉश दिख रहा होता है। अरे वाह, क्या बात है सर, आप किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रहे हैं। वो सेल्समैन उसे देखते ही मानो जैसे तारीफों के पुल बांधने लगता है। अरमान उसकी एक भी बात सुने बिना सीधा तनुजा के पास चला जाता है और उससे पूछता है, कैसी लग रही है ये? बहुत सुंदर, तनुजा जवाब देती है। अरमान उसकी बात से सेटिस्फाई नहीं होता और वो पूछता है, बस तुम सिर्फ यही कहना चाहती हो? तनुजा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, बेहद सुंदर, बहुत हैंडसम, जेंटलमैन लग रहे हैं आप, क्या इतना काफी होगा? क्या मैं सच में इस सूट में इतना अच्छा लग रहा हूँ? अरमान खुद को शीशे में निहारते हुए कहता है। चलो ठीक है, फिर हम यही लेंगे, तुम जाओ जाकर पेमेंट कर दो। तनुजा को समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे। वो जैसे ही चुपचाप से काउंटर पर पेमेंट करने जाती है, उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से उसके और अरमान के बारे में बात कर रहा होता है। देखा, मैंने तुम्हें कहा ही था ना, ऐसा आदमी जरूर अपने साथ कोई ना कोई लड़की को लाया होगा। देखो अब वो उसके कपड़े सेलेक्ट करने में मदद कर रही है। अरमान भी उसकी सारी बातें सुन लेता है और उसे चुप करवाने के लिए आगे बढ़कर तनुजा की कमर पर हाथ रख लेता है। इससे पहले कि तनुजा कुछ भी रिएक्ट कर पाती, उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मेरा और मेरे कपड़ों का इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू माय वाइफ, मुझे तुम्हारे हाथ में अपनी सैलरी लाकर रखने में बहुत खुशी मिलती है। अरमान, अभी तनुजा कुछ बोलने ही लगती है कि अरमान अपनी उंगली तनुजा के लिप्स पर रखकर उसे चुप करवा देता है। चलो अब बस भी करो, क्या तुम इतनी सी बातों पर इमोशनल होने लगती हो? तुम्हारे लिए ये सब करना तो मेरा फर्ज है, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा तुम्हारे लिए ये सब? बस इस बार के लिए मेरी सैलरी से मुझे ये जैकेट लेने दो, अरमान अपना नाटक बनाए रखने के लिए तनुजा से कहता है। तनुजा को अब सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो अरमान को क्या जवाब दे, पर फिर भी अरमान और अपनी दोनों की इज्जत बनाए रखने के लिए वो कहती है, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो बेबी। तनुजा ने इतने अजीब तरीके से उसे बेबी बोला था कि उसे भी 2 मिनट लग गए उसे डाइजेस्ट करते करते। वो एक बार फिर तनुजा के ख्यालों में कहीं खोसा गया था। उन दोनों को देखकर उस लड़के की गर्लफ्रेंड उल्टा उसी को सुनाने लगती है, देखो कितना प्यारा पति है उसका, अपनी सारी सैलरी लाकर अपनी बीवी के हाथ में रख देता है, और तो और इतने प्यार से उससे अपने लिए खर्च करने को पैसे मांगता है, कितनी लकी है वो लड़की। तुम्हें उस आदमी से कुछ सीखना चाहिए, और कहा तुम उसी का ही मजाक उड़ा रहे हो, जाओ तुम, अब मेरा कुछ मन नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी खरीदने का। ये सब कहकर वो लड़की वहां से जाने लगती है। रुको बेबी, ये कहकर वो लड़का भी अरमान को घूरते हुए अपनी बीवी के पीछे पीछे वहां से चला जाता है। एपिसोड 62, स्पोर्ट्स कार। ये सब होते ही अरमान एक बार फिर से तनुजा की तरफ देखता है और कहता है, तुमने देखा ना ये सब, बस इसलिए ही मुझे शॉपिंग के लिए आना पसंद नहीं है। चाहे कोई भी इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग उसका कंपैरिजन दूसरों से करके उसे बुरा महसूस करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था
कि वो क्या कहे। तभी एकदम से वो कहती है, सर मैं जैकेट की पेमेंट करके आती हूँ, क्या उससे पहले आप अपना हाथ मेरी कमर से हटा लेंगे? अरमान एक मिनट के लिए चुप हो जाता है और अपने हाथ और तनुजा की कमर की ओर देखता रहता है, फिर अपना हाथ वहां से हटा लेता है। कोई बात नहीं, उसे यकीन था कि फिर कभी भी जरूर उसे ऐसे तनुजा को अपनी बीवी कहने का मौका मिलेगा ही। जैकेट खरीदने के बाद तनुजा अपने पास बचे हुए पैसे देखती है और थोड़ी उदास सी हो जाती है। वो जैकेट उसे थोड़ी महंगी ही मिली थी। पिछले कुछ समय से जिन जिन हालातों में वो रही थी, अब उसे ऐसे महंगे कपड़े खरीदे अरसों हो चुके थे। उस घटिया इंसान अमित ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और तो और अभी तक भी उसका पेट नहीं भरा, न जाने अब क्या ही चाहता है मुझसे। अरमान तनुजा से हाइट में लंबा था, इसलिए उसने तनुजा के फोन में वो नंबर देख लिया था। वो परेशान होकर कहता है, तुम्हारे जैसी 22 साल की लड़की को तुम्हारे घर वालों को सिर आंखों पर बिठा कर रखना चाहिए, फिर तुम्हें अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए केयरटेकर की जॉब करने की आखिर क्या ही जरूरत पड़ गई? तनुजा थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर उदास होकर पूछती है, सर अगर मैं आपके सवाल का जवाब ना दूं तो चलेगा? कोई बात नहीं, सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं। अरमान अपना सिर झुकाता है और कहता है, वो मन ही मन सोचता है कि शायद या तो तनुजा की फैमिली गरीब होगी या फिर कुछ हुआ होगा, तभी तनुजा उसे बताना नहीं चाहती। वो बिना उसकी परमिशन के उसके बीते हुए कल में घुसना नहीं चाहता था। उसे खुद पर इतना यकीन जरूर था कि आने वाले थोड़ी समय में ही तनुजा खुद ही उसे सारी बात बता देगी। ये सब सोचते सोचते जैसे ही वो नीचे अपनी घड़ी की तरफ देखता है, उसे एहसास होता है कि अभी तो केवल 8:30 ही बजे हैं। इसलिए वो कहता है, चलो थोड़ी और शॉपिंग करके आते हैं। अरमान सर, आपके सारे कपड़े कस्टमाइज्ड और हैंडमेड होते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ के सारे कपड़े आपके लिए बेहद ही सस्ते और घटिया क्वालिटी के हैं। तनुजा भगवान का शुक्र मनाती है कि उसकी इतनी बात सुनते ही अरमान उससे और कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा थक चुकी थी सुबह से काम कर करके। इसके बाद अब बस खुद को किसी रॉयल इंसान की तरह मत सोचने लगना, वैसे ही आपको अपनी तारीफों के पुल बांधने के लिए बहाना ही चाहिए होता है, तनुजा मन ही मन सोचने लगती है। पर वो साथ ही ये भी सोचती है कि वो अरमान को जो भी करना है करने देगी, उसे रोकेगी नहीं। जब अरमान तकरीबन 10 जैकेट्स और सूट्स ले लेता है, उसने इतना सामान तो ले ही लिया होता है कि ब्रांड स्टोर वाले उसे ले जाकर उसके घर डिलीवर करवा दें। तकरीबन 9:30 बजे अरमान अपनी शॉपिंग खत्म कर तनुजा को वापस से उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए जाता है अपनी स्पोर्ट्स कार में। वो एक बेहद ठंड से भरी रात थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, वहां पूरे आसमान में बादल छाए थे। तनुजा अरमान से कहती है, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। अरमान के हाथ जो कि स्टीयरिंग व्हील पर थे एक मिनट के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल पैनल की तरफ देखने लगता है गाड़ी की रूफ बंद करने के लिए। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि आज बारिश होगी, वेदर फोरकास्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है, पर फिर भी मैं गाड़ी थोड़ी तेज चला लेता हूँ। वो एक्सेलरेटर पर जैसे ही पैर रखता है, गाड़ी मानो जैसे उड़ने लगती है। थोड़ी दूर पहुंचते ही उसके मुंह पर बारिश की एक दो बूंदे पड़ती है। वेदर फोरकास्ट हमेशा सही नहीं होता, तनुजा अपने हाथ से मुंह ढकते हुए कहती है। आप प्लीज गाड़ी की रूफ बंद कर दीजिए। ठीक है, अरमान ब्रेक लगाकर गाड़ी सड़क के किनारे रोक लेता है। कंट्रोल पैनल पर इतने सारे बटन्स देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर उन बटन्स को देखने के बाद वो एक काला बटन दबा देता है, जिसके बाद गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है और आगे वाला गाड़ी का बोनट खुल जाता है। अरमान को समझ नहीं आता कि वो अब क्या कहे। तनुजा ये सब देखकर थोड़ी हैरान रह जाती है। आपने बोनेट क्यों खोल दिया? क्या आपको नहीं पता कि ये रूफ कैसे बंद होती है? ये सुनकर अरमान थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, मैं ये गाड़ी बस दूसरी बार ही चला रहा हूँ, इसलिए इसके सारे फंक्शन से अवेयर नहीं हूँ मैं ठीक से अभी। मुझे लगता है ठीक से तो क्या, आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में, ये कहकर तनुजा हंसने लगती है। शट अप, अरमान चिढ़कर कहता है।
अरमान मन ही मन सोचने लगता है कि शायद ये सब उसी की गलती है, कि उसे लगा कि स्पोर्ट्स कार देखकर तनुजा कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाएगी। पर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत इतनी बुरी निकलेगी कि वो ऐसे बारिश में फंस जाएगा। वो पागल जिमी, उसे जब पता है कि मैं बटन्स के साथ कितना बुरा हूँ तो क्या वो मुझे रूफ बंद करके गाड़ी नहीं दे सकता था? अच्छा ठीक है, चुप करो। बारिश और तेज होती जा रही थी और उनके पास अपना सर छुपाने के लिए कोई छत तक भी नहीं थी। मुझे एक मिनट दो, मैं अभी उस जिमी के बच्चे को फोन करता हूँ, अरमान कहता है। पर उसकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके सारे किए गए फोन कॉल्स जिमी के वॉइस मेल में चले जाते हैं। इस समय अगर जिमी उसके आसपास होता तो वो अब तक उसका खून ही कर चुका होता। पीछे से छाता उठा लो, तब तक मैं इन बटन्स का कुछ करता हूँ, अरमान तनुजा से कहता है। ठीक है, पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं थोड़ा जल्दी कीजिए, ये कहकर तनुजा पीछे से छाता निकालने लगती है। पर वहाँ एक ही छाता होता है, इसलिए उन दोनों को एक ही छाता शेयर करना पड़ता है। अरमान की सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। बारिश अब पहले से काफी तेज हो चुकी थी, आंधी तक चलने लगी थी। तेज ठंडी हवाएं उन दोनों के मुंह पर ऐसे लग रही होती हैं जैसे मानो कोई उन्हें थप्पड़ मार रहा हो। उनके साइड में आकर एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी का ड्राइवर उनकी तरफ देखते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये अमीर लोगों के भी अपने ही शौक हैं। कन्वर्टिबल गाड़ी में भी ऐसे छाता लेकर बैठे हैं बारिश से बचने के लिए। ये सुनकर अरमान गुस्से से लाल हो जाता है। भूल जाओ, गाड़ी में पानी भरने लगा है, हमें बाहर उतर कर ही जिमी के फोन का इंतजार करना चाहिए, तनुजा इरिटेट होकर कहती है। अरमान उसकी तरफ देखता है। अब तक तनुजा के बाल कपड़े सब बारिश में भीग चुके थे। अरमान जल्दी से तनुजा को गाड़ी से बाहर खींच लेता है और वो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर सड़क के किनारे जाकर छाते के नीचे खड़े हो जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत चल रही थी। अचानक तनुजा को एहसास होता है कि बारिश तो अभी भी हो रही है पर उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं पड़ रही। जैसे ही वो अपना सिर उठाकर देखती है, उसे दिखता है कि उसे बारिश से बचाने के लिए अरमान ने अपनी बाजू उसके सिर के ऊपर रखी हुई है, जिसकी वजह से उसकी बाजू बेहद बुरी तरह गीली हो चुकी थी। ये देखकर तनुजा अरमान की तरफ छाता थोड़ा सरका देती है और कहती है, सर आपको अपना सिर भी कवर कर लेना चाहिए। मैंने अपनी आर्मी ट्रेनिंग में इससे भी बुरे बुरे हालात देखे हैं, ये सब तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी ये सब तो मेरी ही गलती की वजह से हो रहा है ना। अरमान वापस से तनुजा की तरफ छाते को सरकाते हुए कहता है, पर वैसे मुझे इस बात की आपसे कोई शिकायत नहीं, आपको तो अपनी ही गाड़ी के फीचर्स नहीं पता, तनुजा मुस्कुराते हुए कहती है। दरअसल मुझे स्पोर्ट्स कार्स कुछ खास पसंद नहीं है, मेरे लिए तो SUVs ही बेहतर ऑप्शन है। जब मैं आर्मी में था ना, तो न जाने दिन में कितना समय मैं SUV ही चलाता था, और आर्मी की जॉब छोड़ने के बाद भी सारा सारा दिन। मुझे स्पोर्ट्स कार नहीं पसंद बिल्कुल भी। आज तो ये बस मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में ले आया था, और तो और अब मेरी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सारा दिन मुझे मीटिंग्स डिनर्स ये सब अटेंड करना होता है, तो हर जगह मुझे ड्राइवर के साथ ही जाना पड़ता है। आज तो दरअसल जिमी के पास मेरी गाड़ी थी और उसने मुझे वापस देनी ही थी, तो मैं वही लेकर तुम्हारे पास आ गया सीधा, अरमान तनुजा की बातों का जवाब देता है। लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो पहले ही खुद ही बातों बातों में तनुजा को सब कुछ सच सच बता चुका था। एपिसोड 63, रिलेशनशिप। ओ अच्छा, आई सी, तनुजा जवाब देती है। वो दोनों ही एकदम चुप से हो जाते हैं। वहां सिर्फ हवा की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। अब तनुजा के कपड़े पूरी तरह से बारिश से भीग चुके थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी। अरमान एक नजर तनुजा की तरफ देखता है और फिर अपनी जैकेट की तरफ देखने लगता है। उसकी जैकेट तो तनुजा के कपड़ों से भी ज्यादा गीली हो चुकी थी। वो उसे अपनी जैकेट दे देना चाहता था, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर उसे पता होता कि ये सब होने वाला है तो वो नए कपड़े पैक करवा कर ना लाता। एक दो कपड़े ऐसे ही गाड़ी में बिना पैक करवाए ले आता, ताकि तनुजा वो पहन सकती।
थोड़ी देर तक उसे परेशान होता देखने के बाद अरमान तनुजा की बाजू पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। एक मिनट के लिए तो तनुजा को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये आखिर क्या हो गया है। वो परेशान हो जाती है और कहती है, ये आखिर आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दो, सब लोग देखकर हमें क्या ही बोलेंगे, ये सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं है सर। अरमान तनुजा के धक्कों से परेशान होकर उसे जवाब देता है, ठंड लग रही है ना तुम्हें? हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हवा भी बहुत तेज चल रही है अभी। तुम एक काम करो, मुझे हक कर लो। हाँ सही सुना तुमने, इससे तुम्हें कम ठंड लगेगी और तो और हवा भी रुक जाएगी। तनुजा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। माना कि पहले भी कई बार उन्होंने एक दूसरे को हक किया है, पर वो सब कभी भी उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। हर बार वो एक्सीडेंटली ही हुआ है, पर इस बार बात थोड़ी अलग थी। ठंड के मारे दोनों की हालत बहुत खराब थी, दोनों के कपड़े बारिश से पूरी तरह से भीग चुके थे। दोनों के लिए ही वो सिचुएशन बहुत ही अजीब और एम्बैरेसिंग हो चुकी थी। अरमान सर, मुझे इतनी भी ठंड नहीं लग रही, मैं ठीक हूँ, ये कहकर तनुजा पीछे हटने की कोशिश करने लगती है। हम दोनों के लिए एक दूसरे को हक करना ठीक नहीं होगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? अरमान उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और वो अपने जोरों से धड़कते हुए दिल के साथ उससे पूछता है। लोगों को रिझाने में तो इस लड़की का जवाब नहीं, अरमान मन ही मन सोचने लगता है। बारिश में भीग जाने की वजह से तनुजा बहुत बुरी तरह ठंड के मारे कांप रही होती है। अरमान बस एकटक उसे देखता ही रहता है, उसे देखते देखते जैसे वो कहीं खो सा जाता है। तनुजा को वो सब कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो अपनी सफाई में कहती है, मेरा मतलब वो नहीं था। तनुजा की बात बिना सुने ही अपने ख्यालों में खोया हुआ अरमान एकदम से तनुजा के माथे पर किस कर देता है। इस सब के बाद तनुजा को अचानक समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, अरमान ने अचानक उसे ऐसे किस क्यों किया। ये सोच सोच कर वो और भी ज्यादा कांपने लगती है। तनुजा अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है कि तभी तनुजा के गले का लॉकेट अरमान की जैकेट की जिप में अटक जाता है और वो दोनों एक बार फिर करीब आ जाते हैं। तनुजा जल्दी से जैसे तैसे कर अपने लॉकेट को अरमान की जिप से अलग करती है। तनुजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, पर जो भी था उसे अंदर ही अंदर इतना तो पता था कि उसे ऐसा एहसास पहले कभी भी नहीं हुआ था, जब तक वो अमित के साथ थी तब भी नहीं। इस सब के दौरान तनुजा बेहद ही अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अरमान को पीछे धक्का दे देती है खुद से अलग करने के लिए। तनुजा के धक्के से अरमान थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है और गाड़ी के दरवाजे से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से छाता भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। बारिश की बूंदें सिर पर पड़ते ही उसके सारे बाल गीले हो जाते हैं। तभी एकदम से वो वापस होश में आता है और उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या ही कर दिया था। उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी भी ऐसी गलती नहीं की थी, पर तनुजा को देखकर न जाने उसे ऐसा क्या ही हो जाता है कि उसका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। उसे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी आखिर अंत में, पर तनुजा भी उसे पसंद करती ही थी और वो दोनों सेम उम्र के भी थे, इसलिए इतना करना तो बनता ही था। उसे रिग्रेट था तो सिर्फ इस बात का कि वो मौसम बेहद ही खराब था, जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो चुका था। पर अगर इस एक इंसिडेंट से उन दोनों को अपनी फीलिंग्स का एहसास हो जाता है, तो ये खराब मौसम भी उनके लिए एक बेहद यादगार पल बन सकता था। इस सब से परेशान तनुजा बेहद गुस्से में आ जाती है और अरमान से पूछती है, इस सब का क्या मतलब था सर? आपने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? जो कुछ भी अरमान ने अभी अभी किया था, उस सब को याद करके तनुजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे किस करने की? मुझे माफ कर दो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। मैं अपनी गलती की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, अरमान नीचे से उठाकर तनुजा को फिर से छाता देते हुए कहता है। ये सुनकर तनुजा हैरान रह जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी? बस अब बात को इतना भी मत बढ़ाओ, इतना ही तो है कि हम एक दूसरे को अब डेट कर सकते हैं। अगर तुम चाहती हो तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, अरमान कहता है।
इस सब के बाद तनुजा हंसने लगती है। मैंने तो कभी आपको उस नजर से देखा तक नहीं है सर। डेट करना तो बहुत दूर की बात रह गई। मैं नहीं आना चाहती आपके साथ किसी रिलेशनशिप में। आप अपने दिमाग में ऐसी कोई भी गलत बात ना रखें, वो कहती है। बस भी करो अब ये नाटक, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम क्या चाहती हो। बोला तो तुम्हें मैंने कि मैं हूँ तैयार, अरमान सारी बात तनुजा के ऊपर डालते हुए कहता है। देखिए मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, तनुजा सारी बात क्लियर करने की कोशिश करती है ताकि अरमान के मन में कोई भी गलत फहमी ना रहे उसे लेकर। वो कहती है, सर मैंने आपको पसंद करने वाली बात को लेकर भी हाँ सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि आपको लगा था कि मैं आपके साथ कोई रिश्ता बनाना चाहती हूँ। आप मेरी बॉस हैं और मैं आपकी एम्प्लॉई, आपको बुरा ना लगे बस मैं यही चाहती थी। और रही बात आपकी कंपनी में ऐसा ट्रांसलेटर जॉब करने की, तो वो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं आगे यहाँ आकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। अगर उस समय मैं आपसे इतनी बात करती तो आप जरूर मुझसे मेरी उम्र वगैरह पूछने लग जाते, जिसे अवॉइड करने के लिए मैंने आपको पसंद करने वाली बात आपको झूठ ही बोल दी थी। पर असलियत तो ये है कि आप मेरे टाइप के हैं ही नहीं। मैंने कभी आपके बारे में सपने में भी नहीं सोचा, मैं कसम खाकर ये बात कहती हूँ। अरमान हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, ये तो हो ही नहीं सकता, खुद से कम झूठ बोलना बंद करो। सारी बात से इरिटेट होकर तनुजा अरमान से कहती है, आपको पता है ना ये बात कि इतना सेल्फ ऑब्सेशन एक बीमारी है, आपको अपने लिए कोई डॉक्टर ढूंढना चाहिए। मैं कोई बीमार नहीं हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा बैकग्राउंड कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें मेरे और तुम्हारे सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस से कोई प्रॉब्लम है? कहीं तुम्हें किसी भी तरह का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है मुझसे, अरमान पूछता है। तनुजा का गुस्से से अब चेहरा लाल हो चुका था। अरमान सर, अगर मैं किसी को पसंद करती होंगी तो उसे बता भी दूंगी। मुझे पता है आप बेहद ही अमीर और हैंडसम लड़के हैं, पर किसी को भी पसंद करने के लिए फीलिंग्स का होना बेहद जरूरी है। और अगर मुझे कोई भी इंसान पसंद होगा तो मैं उसे सीधा जाकर बोलना प्रेफर करूंगी। ये सब सुनते ही अरमान की आंखें तनुजा पर मानो जैसे टिक सी जाती हैं। एक बार फिर वो उसी के ख्यालों में खो जाता है। बिना कुछ भी सोचते समझते वो बस एकटक तनुजा को घूरता ही रहता है, जिसकी वजह से एक बार के लिए तनुजा भी बेहद अनकंफर्टेबल हो जाती है। क्या इसने सच में ये सब नाटक किया था? क्या सच में ये मुझसे, मतलब मेरे जैसे इंसान से प्यार नहीं करती? अगर इसे मैं पसंद नहीं हूँ फिर तो न जाने इसे कौन ही पसंद आएगा। मतलब क्या ही कमी है मुझ में? कुछ लड़कियों को ना जैसे आदत सी होती है अच्छे लड़कों को ठुकराने की। ये सब क्या सिर्फ मेरा वहम था? वो सारे सपने जो मैंने सजाए थे, हमारे साथ होने के सपने, इकट्ठे जिंदगी बिताने के सपने। अरमान मन ही मन न जाने क्या क्या सोचने लगता है। ये सारी बातें उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगती हैं। एपिसोड 64, वहम। तनुजा, अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर अभी भी तुम कहती हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती तो फिर मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं पूछूंगा, अरमान सीरियस होकर कहता है। तनुजा शर्मा कर जवाब देती है, सर मैंने जो कुछ भी कहा आपसे वही मेरा फाइनल डिसीजन होगा। चलो जी, अरमान गुस्से में छाता नीचे फेंक देता है और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें जाकर बैठ जाता है और बहुत जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। वो अपना पैर रेस पर रखता है और भगाकर गाड़ी ले जाता है बहुत दूर। ये सब देखकर तनुजा को अब अपने डिसीजन को लेकर गिल्टी फील होने लगती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, कहीं उसने सच में अरमान को ज्यादा ही ब्लंटली मना तो नहीं कर दिया? कहीं उसने सच में अरमान का दिल तो नहीं दुखा दिया? अगर उससे कोई ऐसे बात करता तो उसे कैसा लगता? पर उसने बिना उसकी इजाजत के उसे किस कैसे किया था? और तो और उसने तनुजा से ये भी कहा कि वो उसके साथ बस इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। मतलब ये भी कोई बात हुई? अब उसे लगता है कि उसे और थोड़ी घुमा फिरा कर ये बात कहनी चाहिए थी ताकि उसे इतना बुरा ना लगता। वो खुद को कोसने लग जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि अरमान इंसान तो दिल से बहुत ही अच्छा है, और तो और उसने न जाने कितनी ही बार तनुजा की मदद भी की है। ये सब सोचते सोचते वो जमीन से छाता उठा लेती है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो टूटा नहीं था।
वरना आधी रात को सड़क के बीचों बीच जब मौसम भी इतना खराब था और दूर दूर तक टैक्सी का कुछ अता पता नहीं था, वो क्या ही करती। तभी एक इंजन की आवाज तनुजा को सुनाई देती है और उसी के साथ अरमान की गाड़ी भी वहां वापस आ जाती है। बारिश में निचुड़ता हुआ अरमान तनुजा से कहता है, जल्दी करो और गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें बाहर लाया था और इस नाते अब तुम्हें सेफली घर पहुंचाना भी मेरी ही ड्यूटी है। तनुजा एक बार के लिए सहम सी जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अरमान ऐसे वापस आ जाएगा। अरमान सर, कहीं आप मुझे किसी और जगह तो नहीं ले जाएंगे ना, वो डर के मारे पूछती है। वो गाड़ी से नीचे उतरता है और तनुजा को गाड़ी के अंदर बिठाने की कोशिश करने लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा आदमी हूँ? तुम्हें यहाँ बीच सड़क पर अकेला छोड़कर भी मुझे कुछ कुछ होने लगा था, पर तुम तो पता नहीं यहाँ क्या क्या ही सोच रही हो मेरे बारे में। तनुजा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कैसे अरमान को बताए कि उसे उसके साथ कमरा नहीं लेना, और तो और वो तो उसकी गाड़ी में बैठना तक नहीं चाहती। वो मन ही मन सोचने लगती है कि इतनी बारिश हो रही है और ऐसे में अगर इसने तेज गाड़ी चलाई तो उसे टकराने से कोई नहीं रोक सकता। पर वो ऐसे सीधा मना नहीं करती है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं वो फिर से नाराज ना हो जाए। भगवान की दया से तभी अचानक अरमान के फोन पर जिमी का फोन आ जाता है। और भाई रामू, क्या चल रहा है? मजा आ रहा है तुम्हें डेट पर? बारिश हो रही है क्या अभी भी वहाँ? वो पूछता है। ये सब बकवास बंद करो और पहले मुझे बताओ कि गाड़ी की छत कैसे बंद करते हैं, अरमान उससे गुस्से में पूछता है। कैसे से हो तुम? मुझे तो ये टेंशन हो रही थी कि तुम मेरा फोन उठाओगे भी या नहीं, और तुम तो यहाँ। अगर मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत ना होती तो आज के आज ही मैं तुम्हें अफ्रीका भेज देता, अरमान कहता है। फोन की दूसरी तरफ एक मिनट के लिए जिमी चुप हो जाता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तो तुम दोनों तब से बारिश में बैठे हो क्योंकि तुम्हें गाड़ी की रूफ तक बंद करनी नहीं आती। हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वैसे भी कोई आदमी ढूंढ ही रहे थे अफ्रीका में, तुम्हें वहां चले जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, बस भी अब बताता हूँ मैं तुम्हें, जिमी कहता है। गाड़ी की रूफ बंद करते ही अरमान फोन काट देता है। फाइनली अब उन दोनों के सिर पर छत थी। तनुजा जल्दी से अपना मुंह और अपने चश्मे साफ करने लगती है। अरमान बिना कुछ भी बोले हीटर ऑन कर देता है और चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। तनुजा भी चुप रहती है और एकदम से अपने बाल खोलकर उन्हें सुलझाने लगती है। तभी अचानक गाड़ी सिग्नल पर रुकती है और जैसे ही वो एकदम से तनुजा की तरफ देखता है, उसे तनुजा अलग ही अट्रैक्टिव लग रही होती है, अपने बाल सुखाने की कोशिश करते हुए। वो अब मन ही मन खुद को गालियां देने लगता है। हद है, कोई बारिश में इतनी बुरी तरह भीगने के बाद भी इतना अट्रैक्टिव कैसे दिख सकता है आखिर? अलग ही टैलेंटेड होती हैं ये लड़कियां भी। असल में उसे लगा था कि उस समय तक तनुजा उसके साथ खुशी खुशी होगी, पर तनुजा ने तो कभी उसे वैसी नजर से देखा ही नहीं था। अरमान अपनी पूरी जान लगा देता है कि वो अब तनुजा के बारे में और कुछ ना सोचे कभी। जैसे ही वो हॉस्टल पहुंचते हैं तब बारिश थोड़ी कम हो जाती है, पर गेट पर तो अभी भी अंधेरा और वही सन्नाटा था। तभी अचानक तनुजा कहती है, मुझे आपका पुराना छाता लौटाने का समय तक नहीं मिला और मैं एक और छाता आपसे नहीं लेना चाहती। तनुजा को वैसे भी लगता था कि अरमान के छाते उसके लिए बेहद ही महंगे और कीमती थे। ले जाओ इसे, वरना इसे देखते देखते मुझे और गुस्सा आता रहेगा, वो कहता है। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, आप जाइए आराम से, ये कहकर तनुजा गाड़ी की सीट पर छाता रखकर वहां से चली जाती है। अब तो अरमान को इस बात की 100% श्योरिटी हो चुकी थी कि तनुजा उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो जरूर एटलीस्ट उसका छाता तो अपने साथ ले ही जाती। अरमान की पूरी जिंदगी में किसी ने उसे पहली बार रिजेक्ट किया था। शायद लड़कों के मामले में तनुजा का टेस्ट ही अच्छा नहीं था। तनुजा तकरीबन 5 मिनट तक के लिए भागकर अपने हॉस्टल के गेट पर पहुंचती है। अब तक बारिश भी तकरीबन रुक सी गई थी, हल्की फुल्की ड्रिजलिंग जरूर हो रही थी। वो याद करने लगती है कि कैसे अचानक उसके एक बार बस मना ही करने पर अरमान की आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हो गई थीं। अरे यार, वो जो कुछ भी वहां हुआ था
उसके बारे में सोच सोच कर खुद से कहती है। तभी वहाँ एक काफी लंबा और सुंदर दिखने वाला लड़का आता है, हाथ में छाता पकड़े हुए, और कहता है, इतनी बारिश हो रही है, कहाँ गई थी तुम? ये सुनकर तनुजा अपने ख्यालों की दुनिया से एकदम बाहर आने की कोशिश करने लगती है। उसे अपना बीता कल सब याद आने लगता है कि कैसे जब वो लाइब्रेरी जाया करती थी और अमित उसके वापस आने का इंतजार करता था, और कैसे वो दोनों हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ हर जगह घूमने जाया करते थे। तुम बाहर ऐसे किसके साथ गई थी? अमित उसे छाता देते हुए उससे पूछता है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि न जाने वो वहां कब से इंतजार कर रहा होगा। एकदम से तनुजा अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आती है और उसे रियलाइज होता है कि ना तो ये शहर उसका था और ना ही अमित अब उसका मंगेतर था। वो तो अब आयशा का बॉयफ्रेंड था और ये सब जो वो सोच रही थी ये तो बस उसका एक वहम था, असलियत कुछ और थी। जिंदगी ने उसे एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब उसे अपना पास्ट भूलकर अपने अच्छे भविष्य के लिए अपने प्रेजेंट में पूरा मन लगाकर मेहनत करनी थी। तनुजा एकदम पीछे होती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह सब बताना जरूरी है, वहीं रुक जाओ। अमित जोर से तनुजा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, उस समय जैसे मानो उसमें कोई भूत ही आ चुका हो, वो तनुजा से अचानक पूछता है, तुम्हें किस किसने किया? उसकी शक्ल पर साफ दिख रहा था कि वो कितना ज्यादा जेलस था उस समय। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तनुजा को किसी और के साथ देखना तक तो दूर की बात है, तनुजा का किसी और के साथ होने का ख्याल तक भी अमित को अंदर से खाने लगता था। वो तनुजा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इतना सब होने के बाद भी वो अपनी फीलिंग्स उसके सामने छुपा नहीं पाता और तनुजा को उसके चेहरे पर वो जेलसी भरा लुक साफ साफ दिखाई देता है। एपिसोड 65, रिजेक्शन। उसके हैंडसम चेहरे पर जेलसी अब साफ दिखाई दे रही थी। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों थी, डेट पर जो जाना था तुम्हें। अमित तनुजा को अपनी ओर खींचता है और कहता है, तुमने मुझे आयशा के इतने करीब देखा और इस बात से तुम इतनी जलस हो गई, इसलिए तुम किसी और के करीब आकर मुझे सताना चाहती थी? हाँ, साइको हो तुम, तनुजा गुस्से में चिल्ला उठती है। उसे ये बात समझ नहीं आती कि हर बार उसे ऐसे ही लड़कों के साथ क्यों डील करना पड़ता है जो बस 24 घंटे अपने ही इमेजिनेशन भरी दुनिया में जीते हैं। अरमान का तो चलो उसे फिर भी समझ आता था, पर अब अमित भी, वो क्यों ये सब सोचने लगा था अचानक? अब तो तनुजा का उससे कुछ लेना देना भी नहीं था। मुझे जाने दो अमित, पागल हो गए हो क्या तुम? तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं जिसके साथ चाहूं रह सकती हूं, और इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहकर तनुजा अमित को धक्का मारने की कोशिश करती है जिसमें वो बुरी तरह नाकामयाब हो जाती है। वहां से निकलने के लिए फिर उसने अमित का हाथ अपने दांतों से काट लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके हाथ से खून नहीं आने लगा था। तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हें छोड़ा था? हमारी एंगेजमेंट तो कभी टूटी ही नहीं थी। अमित अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है। ये सुनकर तनुजा हंसने लगती है। तुम रोज आयशा के साथ सो रहे हो, उसका करियर बनाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है वो कर रहे हो, और उल्टा मुझे बोल रहे हो कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा। और तो और, अब तुम्हें हमारी एंगेजमेंट भी याद आ गई, थोड़ी शर्म बची है क्या तुम्हें? हाँ, माना कि मैं आयशा के साथ हूँ, पर मैंने कभी भी तुम्हारे साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। अमित तनुजा की तरफ देखता है और कहता है, तुम हमेशा से सिर्फ मेरी ही रही हो, और तुम मुझे छोड़कर सिर्फ तब ही जा सकती हो अगर मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कहूँ। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, और मर्दों से दूर रहो। तुम किसी और को डेट नहीं कर सकती, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी जीते जी नर्क बना दूंगा। उसकी बात सुनकर तनुजा हैरान रह जाती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा बेशर्म इंसान नहीं देखा था। अमित, तुम्हारी खुद की एक कंपनी है अब, क्या तुम में सच में इतनी भी शर्म नहीं बची है? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? अगर तुम एटलीस्ट आयशा के साथ भी लॉयल रहते हो तो मुझे इतनी तो तसल्ली होगी कि तुम इंसान गलत नहीं थे। पर अब जब मुझे सारी बात पता चल चुकी है, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती, चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती अब।
कितने अच्छे इंसान हुआ करते थे तुम। मुझे समझ नहीं आता कि अचानक हो क्या गया है तुम्हें। जाओ और जाकर खुद को शीशे में देखो। बाहर से तो भले चंगे लगते हो पर अंदर ही अंदर सड़ चुके हो तुम। ये कहकर तनुजा अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लेती है और रोने लगती है। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि वो अब भी उससे प्यार करती थी, बल्कि उसे तो अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। पिछले 2 साल से बस उसे ही पता है कि वो कितनी अकेली पड़ चुकी थी। हर पल वो बस रोना ही चाहती थी पर ये तक कर नहीं पाती थी वो। और अब उसके सामने खड़े इस इंसान ने उसके भरोसे को चूर चूर कर दिया था। ये वही इंसान था जिससे वो कभी बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। उसे अपने चॉइसेस के बारे में सोचकर कभी कभी इतना बुरा लगता था कि वो अपने परिवार के टूटने के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती थी। मैं ऐसा क्यों और कैसे बना? तुम्हारी फैमिली की वजह से। यही असली अमित है, अमित उदास होकर कहता है। वो आगे बढ़कर तनुजा के कंधे पकड़कर उसे जोर से हिलाता है और कहता है, तुम्हारा परिवार मेरे कर्ज तले दबा हुआ है और तुम्हें, हाँ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी लगाकर मुझे पेबैक करना पड़ेगा। आजकल पढ़ाई, काम, इस सब से तनुजा वैसे ही बड़ी थकी रहती थी। ऊपर से अभी बारिश में इतना भीग जाने के बाद तो जैसे मानो वो थककर चूर हो चुकी थी। ऐसे में अमित के उसे इतनी जोर से हिलाने के बाद जैसे उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। कौन हो तुम? शिवानी अमित के पीछे से आकर उसके सिर पर बैग से मारती है और पूछती है। अभी अमित ये समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि आखिर ये अचानक उसके साथ क्या हुआ कि इतने में शिवानी तनुजा का हाथ पकड़ती है और उसे भगाकर अपने साथ ले जाती है। वो दोनों हॉस्टल पहुंचकर ही रुकती हैं। कौन था वो आदमी और तुम्हारे लिप्स पर खून क्यों लगा है? शिवानी तनुजा को टिश्यूज पकड़ाते हुए पूछती है। मैंने उस आदमी का हाथ काटा, तनुजा शिवानी से कहती है। फिर वो उसकी तरफ देख कर मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू। भगवान को ही पता है कि आज न जाने क्या ही होता अगर शिवानी वहां समय रहते ना आती, तनुजा मन ही मन सोचने लगती है। खुद को लकी समझो कि काम से लौटते समय तुम मुझे मिल गईं। दिखने में तो वो कोई बड़ा आदमी लग रहा था, उसके कपड़े वगैरह से तुम कैसे फंस गई उसके साथ? शिवानी पूछती है। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, काफी समय पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया था और अभी किसी और के साथ है। आज न जाने अचानक वो कहां से ही आ गया। मैं तो फिर कभी भी इससे मिलना नहीं चाहती, तनुजा कहती है। शिवानी पूछती है, कभी कभी तुम मुझे पागल लगती हो। तो ये था वो घटिया इंसान? अरे रुको एक मिनट, मेरे ख्याल से तो तुम आज अरमान के साथ शॉपिंग पर गई थी। तो फिर तुम ऐसे इतनी बुरी तरह भीग कर क्यों लौटी हो? क्या तुम्हें छाता तक नहीं दिया उन्होंने? बस मत ही पूछो यार, बहुत ही अजीब दिन था आज। अरमान को तो पता नहीं क्या ही गलतफहमी थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ और इसके चलते उसने आज मुझे किस तक कर दिया। मैंने उसे मना तो कर दिया और ऐसे में उसे छाता लेना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। मुझे लगता है मुझे उससे बात करना बंद कर देना चाहिए, तनुजा परेशान होकर कहती है। ओह गॉड, बहुत ही बुरा हुआ ये सब तो। पर मुझे लगता है कि जेंटलमैन टाइप्स ही है अरमान, शायद तुम्हें उसे इतनी जल्दी ऐसे मना नहीं करना चाहिए था। उसके जैसे पावरफुल इंसान को डेट करने से जरा सोच कर देखो, तुम्हें अपना डबिंग आर्टिस्ट का करियर बनाने में कितनी और मदद मिल सकती थी, शिवानी तनुजा को सलाह देती है। मुझे भी लगता है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करने के हक में हूँ। अगर मैं इस समय किसी को डेट भी करूंगी तो उससे शादी करने के इरादे से करूंगी, और अगर मैं उसे आज हाँ कह भी देती तो मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशन ज्यादा दिनों तक चलता, क्योंकि हम दोनों बहुत ही अलग अलग दुनिया में पले बढ़े हुए हैं, तनुजा अपना सिर हिलाकर जवाब देती है। तनुजा के पिताजी इस समय जेल में थे और अरमान पॉलिटिशियंस और आर्मी ऑफिसर्स के परिवार से था, तो उसे नहीं लगता था कि अरमान के परिवार वाले या अरमान खुद भी ऐसा कोई कनेक्शन बनाना चाहे। सच्चाई जानने के बाद आफ्टरऑल तनुजा के उनके परिवार में आने से उनकी बनी बनाई रेपुटेशन खराब ही होती। शिवानी चुप रहती है। उसने पहले ही मानसी से अरमान के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सुना था। अपने घर पहुंचते ही अरमान अपनी गाड़ी से उतरता है और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करता है।
और गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। और भाई रामू, कैसी रही तुम्हारी डेट फिर? इतना बेकर क्यों आए हो भाई तुम? जिमी अरमान से पूछता है, जैसे ही वो उसे इतने गुस्से में अंदर आते देखता है। उस समय वो अपने फोन से खेल रहा था और अरमान को देखते ही वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। जिमी हकलाते हुए कहता है, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हो। मैं तो काम से फ्री होते ही या तुम्हें मुबारकबाद देने आ गया था। पिछले 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें हुआ क्या है आखिर? अरमान गुस्से से बस जिमी की तरफ देखता ही रहता है। उसे इस बात पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि तब जिमी ने उसका फोन क्यों नहीं उठाया। अगर वो उस समय फोन उठा लेता तो न तो अरमान को तनुजा के साथ अपना छाता शेयर करना पड़ता और न ही अरमान अपने होश खोकर तनुजा को किस कर बैठता। अब वो हर चीज के लिए जिमी को कोस रहा होता है मन ही मन। पर वो बिना जिमी को कुछ भी बोले ऊपर चला जाता है। कपड़े चेंज करने के बाद जब वो बाथरूम पहुंचता है, वो शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को निहारने लगता है। अपनी बॉडी को देखकर उसे एक अलग ही किस्म का गर्व महसूस होता है खुद पर। चाहे जो भी हो जाए, अरमान कभी भी अपनी फिटनेस रूटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इतना हैंडसम, फिट और पावरफुल इंसान होने के बाद भी तनुजा आखिर उसे रिजेक्ट कैसे कर सकती थी? बारिश में इतनी बुरी तरह भीग जाने के बाद भी वो परफेक्ट से 1 इंच भी कम नहीं था किसी भी एस्पेक्ट में।